मैं सो के उठा और मैंने महसूस किया कि मैं बहुत अकेला और उदास हूँ। मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है। तो अब मुझे चाहिए था प्यार, बहुत सारा प्यार, और इतना प्यार करने के लिए मुझे चाहिए थी एक लड़की। तो मैं अपने बिस्तर से उठा और मुझे नजर आई रोशनी की एक लहर जो कि मेरे लैपटॉप से निकल रही थी। तो मैं लैपटॉप की तरफ बढ़ा और वहां पहले से ही यूट्यूब खुली हुई थी और अब बस मुझे यूट्यूब से एक लड़की ढूंढनी थी। तो मैंने यूट्यूब पे लिखा LARKI और जैसे ही सर्च किया तो लड़की तो नहीं मिली, लेकिन जो उससे मुझे मिला उसके बाद मेरी लड़की ढूंढने की ख्वाहिश मर गई। मैंने उस ख्वाहिश को इसी कमरे में आग लगा के उसकी राख को बाहर कूड़े में फेंक दिया है। हेलो यार, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है, और मेरा नाम है यार। आज मैं काफी खुश था क्योंकि पिछली वीडियो पे लाइक एम रखा था 1200 लाइक्स का और वो तकरीबन पूरा हो गया था। आज भी रखेंगे लेकिन वो वीडियो के एंड पे होगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना और लाइक एम भी पूरा करना है जी। कुछ भी। तो जिंदगी का बड़ा मजा आ रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और मैं भी वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेटेड था। लेकिन फिर हुआ ये कि कंटेंट ना मिलने की वजह से यूट्यूब के एक ऐसे अंधेरे कुएं में जाना पड़ा जहां मासूम और तन्हाई के सताए हुए लड़के बहुत ज्यादा तादाद में मिलते हैं। और इन बेचारों को इनकी जिंदगी में रंग भरने का नारा लगा के कुछ लोग अपना चैनल चलाते हैं। तो फिर आज हम लोग भी देखने वाले हैं ऐसे कुछ चैनल जो कि आपको बताएंगे कि लड़की को इम्प्रेस किस तरह करना है, क्योंकि भाई 2020 की सबसे अहम चीज यही तो है, कोरोना का इलाज हो गया भाड़ में। हम लोगों को तो इससे मतलब है कि लड़की को कैसे पटाया जाए। बहुत गुड हो गया जी। How to impress married women on WhatsApp? एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये लोग आंटियों के पीछे क्यों पड़ गए हैं। उनकी शादी हो गई है भाई, उनको खुश रह लेने दो, लेकिन नहीं, हवस तो इनके अंदर अपने पूरे जोबन पे नाच रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरान लैब की इन्फॉर्मेटिव दुनिया में तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं दोस्तों। यार ये इस तरह की गैर हकीकी बातें करने वाले सारे चैनल एक तरह के क्यों होते हैं? ये चैनल मुझे इसकी याद दिला रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिल थाम के इस वीडियो को अभी देखना, थोड़ा सा टाइम गुजरेगा और ये चैनल भी कह देगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें। A few moments later. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से मेरी एक गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल के आइकॉन पर भी लाजमी से प्रेस कर दें। साले कुत्तों की जिंदगी। सोने से पहले टेक्स्ट करें, जब उसे सोने से ठीक पहले आपसे कोई टेक्स्ट मैसेज मौसूल होता है तो वो जरूर आपके बारे में सोचते हुए सोएगी। सोने से पहले मैसेज करें, मैसेज ना हो गया कोई दवाई होगी जो उसको सोने से पहले देनी है। और ये टेक्स्ट क्या होता है भाई? सोने से पहले टेक्स्ट करें, यही से अंदाजा लगा लो ये बंदा कितना जाहिल होगा जी। इस बंदे की रात को सोते हुए अपनी बीवी से डेली इस बात पे लड़ाई होती है कि वो फोन पे किसी और के टेक्स्ट का जवाब दे रही होती है, और फिर वही एक्सपीरियंस लेके ये बंदा यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस बनाता है। आप लोगों को वो चाचा तो याद ही होगा। शुरू शुरू में आपने बड़े तमीज से उस औरत को आंटी आंटी कहकर पुकारना है। ये बंदा उसी से इंस्पायर्ड है। और अगली वीडियो है हमारे पास व्हाट्सएप पे एक अनजान लड़की से कैसे बात करें, और इस वीडियो में फुल प्रैक्टिकल चल रहे हैं, लड़का लाइव बात करके दिखा रहा है। क्या आप लोग अपने दिलों को थोड़ा सा भी इस बात पर राजी कर सकते हो कि ये बंदा किसी अनजान लड़की से बात कर रहा है? नहीं। अगर ये लड़की दुनिया की आखिरी लड़की भी हो ना, तो मैं अपनी जिंदगी अकेले काटना पसंद करूंगा। ऐसे गरीब एटीट्यूड वाली लड़की मुझे चाहिए ही नहीं है। कि भाई आप एक स्क्रिप्टेड वीडियो बना रहे हो तो कम से कम लड़की की स्क्रिप्ट में इतना एटीट्यूड तो रखो कि थोड़ा सा तो लगे कि यार ओरिजिनल हो रहा है। लेकिन इधर तो लड़की को एक्साइटेड इतना कर दिया कि वो एक मिनट में लड़के को 5 मैसेज भेज चुकी है। जरा सोचो कि अभी तो ये लड़की अनजान है और इसका ये हाल है, तो जब ये गर्लफ्रेंड बन गई फिर तो ये उस लड़के के अंदर घुस जाएगी। अनजान की कॉल आई थी। तो खैर बस यही है कि 1:41 से शुरू हुई चैट 1:52 पे चुमियों के साथ खत्म होती है। और इसके कमेंट्स देखो, अरे यार ब्लॉक करवा दिया तेरी ट्रिक ने। और बाकी कमेंट्स भी ऐसे ही हैं। एक ये कमेंट देखो, अरे यार तेरी ट्रिक काम की नहीं है, लड़की ने रॉन्ग नंबर बोल दिया है। यानी कि लोग
वाकई इतने शरीफ हैं कि उनको लगता है कि ये चीजें सच होती हैं, और उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की है कि फिर लोग इसको ट्राई भी करते हैं। और फिर आती है ये वीडियो। हाँ पता है हाँ आप लोगों का थंबनेल पे है, लेकिन उसे छोड़ो एक बार और ये टाइटल देखो, गर्म औरत की 5 खास निशानियां बता रहा है, जो इसने पता नहीं कितने सालों की सर्च के बाद निकाली होंगी। बुरी लड़की की निशानी किंग मुनीर, वो दौर गए जब किंग अपनी सल्तनत पे हुक्मरानी करते थे, आजकल तो किंग गर्म औरतों की निशानियां बताते फिरते हैं और वो भी खास वाली। और अब सबसे सैड पार्ट ये है कि इस चैनल का नाम इस्लामिक वर्ल्ड ऑफिशियल है। तो खैर पहले इसकी वीडियो देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे से दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। कितना नेक काम करने जा रहा है ना जो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है। यही चीज है जो मेरे दिल में ऐसे चैनल्स के बारे में नफरत पैदा कर देती है। पता नहीं कैसे मेंटली अपसेट लोग हैं ये, जिनको शायद ये समझ नहीं आती कि वो ऐसा कंटेंट बना के इंसानों के साथ तो गलत कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अपने अमाल भी खराब कर रहे हैं। नंबर एक, ऐसी औरत जिसका कद छोटा हो, रंग सांवला हो और जिस्म भरा भरा हो, तो ऐसी औरत में हमबिस्तरी की ख्वाहिश बहुत ज्यादा पाई जाती है। बस बता दी किंग मुनीर ने जिंदगी आसान करने की खास निशानी के जी, अगर औरत का कद छोटा है और रंग सांवला है तो बस बन गई बात। मस्ती का रहे हैं तो बाद आ जा, तू बड़ी राम मौत मना है। खैर यार इस बात में इस बंदे का कसूर नहीं है, क्योंकि इसने YouTube पे ये सांवला रंग और छोटे कद वाली औरतों के बारे में ये बोल के फिर अपने घर YouTube की उसी कमाई से रंग गोरा करने वाली क्रीम और कद बड़ा करने वाली दवाई लेके जानी होती है। नंबर दो, जिस औरत के ऊपरी होंट के करीब दाएं तरफ तिल का निशान हो। लो भाई, होंटों के ऊपर तिल होना भी निशान नहीं है। जो लोग ऐसे चैनल्स को फॉलो करते हैं उन्होंने तो ये वीडियो देखते ही कहा होगा अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, और निकल पड़े होंगे फिर किसी होंटों के ऊपर तिल वाली लड़की को ढूंढने। तो खैर आप लोगों को पॉइंट समझ आ गया होगा कि जो भी लफ्ज इसकी जुबान पे चढ़ी जा रहा है वो ये बोली जा रहा है। बहुत चंगा ना मैं। तो यार इस बंदे का बाकी चैनल भी ऐसी ही वीडियोस के बारे में है, और उन वीडियोस के ऊपर लगी हुई थंबनेल्स तो यार तौबा। मैं यहाँ थंबनेल्स बोल के तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन खैर चलो आप लोग स्क्रीन पे देख ही लोगे। अब मुझे किसी चीज से मसला नहीं है, इस बंदे की अपनी जिंदगी है, उसको ये बंदा जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, आग लगाए या बाढ़ में जाए, मुझे जरा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस चीज का मुझे अफसोस है ना वो ये है कि ये बंदा अपने चैनल का इस तरह का नाम रख के और उस पे फिर इस तरह का कंटेंट डाल रहा है। और ये ऐसा अकेला चैनल नहीं है, इस तरह के और बहुत से चैनल्स हैं, और आजकल तो लड़की फंसाने के वजीफे भी बताए जाते हैं। यार मुझे वाकई नहीं पता कि मैं अब क्या बोलूं, बस यही कहूंगा कि ऐसे चैनल से परहेज करो, बंदे दे पुत्र बनो। और यार ये लड़की वगैरह ने यकीन करो मिल ही जाती होती है। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पे फोकस करो, अपनी स्किल्स पे फोकस करो। आजाद जानी वाली नहीं यार, सेल्फ लर्निंग कर लो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ भी पढ़ रहे हो ना उसके साथ साथ भी चीजें सीखी जा सकती हैं। तो खैर यार बस यही था आज के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को पहली फुर्सत में लाइक करो, और आज की वीडियो का लाइक एम रखते हैं 1300 लाइक्स का। देख रहे हो मैं कैसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे आप लोगों से बड़ी उम्मीद है कि आप लोग ये लाइक एम पूरा करवा दोगे मेरे दोस्तों, सब मेरे दोस्तों। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज एक सब्सक्राइब बराबर है एक गर्लफ्रेंड के, और जो बंदा सब्सक्राइब नहीं करेगा ना उसकी अगली पूरी जिंदगी ऐसे चैनल्स देखते गुजरेगी। और बस अगर वीडियो देख के जिंदगियों में सुकून आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि सुकून लेने का हक हर बंदे का। तो बस चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गाइस सोशल मीडिया पे मैंने देखा हुआ है कि लड़के और लड़कियां जो है ना वो कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हैं। लड़कियां तो खैर छोड़ो, लड़कियों ने भी कॉस्मेटिक्स शुरू किया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग कॉस्मेटिक्स जो है बिल्कुल यूज़ ना किया करें। सुबह निहार में होकर आप लोग एक गिलास पानी जो है वो पिया करेंगे, तो इससे आपका कलर साफ हो जाएगा, आप लोगों की पिंपल नहीं होंगी। तो प्लीज़ कॉस्मेटिक्स का यूज़ ना किया करें। सब लड़कों से मेरा रिक्वेस्ट।